मॉर्निंग की शुरुआत बनारसी चाय के साथ। और देख सकते हो कुल्लड़ में सर्व होती है। और कितने भी मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, अभी हम रामनगर फोर्ट के लिए निकल चुके हैं और हमने अभी शेयर ऑटो ले लिया है। चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आपको गंगा नदी का विकराल रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी गंगा नदी पूरा बाढ़ आया हुआ और पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और इसी वजह से सारे घाट्स भी बंद है और फोर्टिंग भी बंद है यहाँ पर। सो गाइस, अभी हम माँ गंगा नदी को क्रॉस करके रामनगर फोर्ट की ओर जा रहे हैं और आप देख सकते हो अभी गंगा नदी का उफान कितना ज़्यादा है, बाढ़ की तरह पूरा सिचुएशन बना हुआ। और यहाँ गंगा नदी की उफान की वजह से गंगा आरती नहीं हो रही है, साथ में बोट राइड भी अभी वाराणसी में बंद है। अगर रामनगर फोर्ट की डिस्टेंस की बात करें तो ये जगह 80 घाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको यहाँ पर आने के लिए शेयर्ड ऑटो मिल जाएगी जिसका चार्ज अराउंड 15 से 20 रुपीज़ रहेगा और आप ओला बाइक या फिर रैपिडो के थ्रू भी यहाँ आ सकते हो। सो गाइस, फाइनली हम रामनगर फोर्ट के बाहर आ चुके हैं और अभी आप बाहर के व्यू को देख सकते हो, सामने वो रहा फोर्ट और यहाँ पर ये रोड है। सो गाइस, अभी हम रामनगर फोर्ट आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पर वो है रामनगर फोर्ट। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की टाइमिंग बताएंगे, यहाँ पर क्या एंट्री फी है और यहाँ अंदर क्या क्या घूमने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस, अगर आप फोर्ट को बाहर से देखो तो उतना ज़्यादा विशाल नहीं दिखता है, बट हाँ अंदर अगर आप जाओगे तो कैंपस काफ़ी बड़ा है। सो गाइज, हम यहाँ पर सुबह 9:30 बजे मॉर्निंग में आ चुके थे और हमें एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ का फोर्ट का टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। सो गाइज, अभी फोर्ट में हमारी एंट्री हो रही है, चलिए फोर्ट के अंदर चलते हैं और आप देख सकते हो गाइज पीछे कितना क्राउड है। अभी आप एंट्री गेट की इस दरवाजे को देख सकते हो गाइज, कितना ज़्यादा विशाल है और ऊपर में नक्काशी का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। इस फोर्ट का डिज़ाइन मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। सो गाइज, अब जैसे ही मेन एंट्री गेट से अंदर आओगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। सो गाइज, अभी हम फोर्ट के अंदर आ चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो यही है रामनगर का फोर्ट जो कि काफ़ी पुराना है बट वेल मेंटेन्ड है। और अगर यहाँ पर की टाइमिंग्स की बात करें गाइज, तो वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के लिए रहती है। सो गाइज, अभी आप सामने ये तोप देख सकते हो, लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोटोशूट करवा रहे हैं। सो अगर आप यहाँ आओ तो यहाँ भी आप फोटोशूट करवा सकते हो। आपको इस फोर्ट की छोटी सी जानकारी देता हूँ, इस फोर्ट को 1750 में बनाया गया है राजा बलवंत सिंह के द्वारा और ये फोर्ट मुगल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सो गाइस, अभी आप सामने फोर्ट के अंदर के एरिया को देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस में फैला हुआ है और चारों ओर इसके बिल्डिंग्स बने हुए हैं और यहाँ पर फोटोज बहुत अच्छे आते हैं गाइस। सो गाइस, यहाँ पर अंदर म्यूजियम भी है और यहाँ का एंट्री टिकट का प्राइस है 75 रुपीज़ और वो आप पीछे मेरे देख सकते हो वो है टिकट काउंटर। तो चलिए अपनी टिकट लेते हैं और एक बात बता दूं गाइज़ कि अंदर म्यूजियम में फ़ोन अलाउड नहीं, तो मैं अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा गाइज अंदर का वो मैं आपके साथ आके बाहर शेयर करूँगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते वीडियो में। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो टिकट काउंटर पर काफ़ी ज़्यादा लाइन और भीड़ है और टिकट का प्राइस आप देख सकते हो एडल्ट के लिए 75 रुपीज़ है। सो गाइज, म्यूजियम विजिट करने के लिए मैंने भी अपनी टिकट को ले लिया अभी। सो गाइज, मैंने भी यहाँ पर अपना फोटो शूट करवाया और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बैकग्राउंड आ रहा है, पूरा रेट्रो फील जैसा बैकग्राउंड आता है यहाँ पर। सो गाइज, अभी हमने रामनगर फोर्ट के म्यूजियम को घूम लिया और सच बोलूँ तो 75 रुपये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है क्योंकि अंदर कुछ खास देखने के लिए नहीं है। अंदर सिर्फ थे मतलब विंटेज कार्स, अमेरिकन विंटेज कार्स थे, हाथी के दांत के कलेक्शन थे, पुराने ज़माने के गन और उस ज़माने में यूज़ किए जाने वाले कपड़े और थोड़ी मोड़ी पुरानी चीज़। मगर आपको मीन्स आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आइए, और मुझे मतलब टू बी फ्रैंक मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, तो मेरे लिए टिकट वर्थ इट नहीं था। बाकी आप डिसाइड करो गाइज आपको आना है कि नहीं, बट 75 रुपये गाइज बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं दिल्ली के लगभग सारे मॉन्यूमेंट में घूमा और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव टिकट था वो था रेड फोर्ट का और वो वर्थ है क्योंकि वो उतना बड़ा कैंपस है बहुत कुछ देखने के लिए, बट यहाँ पर मतलब उतना कुछ खास नहीं है और पैसे बहुत ज़्यादा ये चार्ज कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वर्थ नहीं है। बाकी आप डिसाइड कर लो आपको यहाँ आना है कि नहीं, बट मैं यहाँ पर आपको हाईली रिकमेंड नहीं कर सकता ये जगह। अगर इस जगह को घूमने की टाइम की बात करूँ गाइस, तो आप हार्डली जगह को 1 से 1.5 घंटे में कवर कर लोगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी मतलब कैंपस बड़ा है बट बहुत चीज़ें क्लोज है। जैसे जो यहाँ का राजा का महल है जो कि प्रिंट राजा है यहाँ पर हैं अभी, तो उनका जो महल वो क्लोज रहता है, प्लस बहुत सारी दीवारों की जो बिल्डिंग्स है वो खंडर बन चुकी हैं तो वो भी क्लोज रहती हैं। तो मतलब बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा, आप 1 से 1.5 घंटे में पूरे कैंपस को कवर कर सकते हो आराम से। सो गाइज, मेरा ये फोर्ट घूम के हो चुका है और मेरे हिसाब से म्यूजियम का पैसा वर्थ इट नहीं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ, बट हाँ मुझे दिल्ली के फोर्ट ज़्यादा पसंद आए थे यहाँ से।
सो गैस अभी हमारा प्लान ये है कि अभी हम रामनगर फोर्ट से बाहर जाएंगे और अभी हॉस्टल पे जाके थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि दोपहर का टाइम है और अभी मौसम तो ठीक है बट गर्मी हो रही है, तो हम शाम में और किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं गाइस शाम में। फाइनली मैं फोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और देख सकते हो पीछे रामनगर फोर्ट है। तो चलिए गाइस मैं अभी हॉस्टल में चलता हूँ। गाइस बहुत थक गया हूँ सुबह से, मतलब मंदिर घूमा और दर्शन किए बस अभी फोर्ट आया, जो कि सिटी से बहुत दूर है, मतलब अराउंड 10 किलोमीटर दूर आपको सिटी में टाउन से ये रामनगर फोर्ट है। ये सिटी के आउटस्कर्ट में पड़ता है। हरिद्वार में तो और ज़्यादा फ्लो रहता हूँ।